इसमें देख लो चैप्टर टू है जिसका नाम बहुपद है। इस बहुपद की पूरे बहुपद किसे कहते हैं ये समझने से पहले उस बहुपद में क्या क्या वर्ड यूज होते हैं उन सभी चीज़ों को पहले समझना सबसे ज़्यादा जरूरी होता है। जैसे बहुपद की जो निर्माण होती है वह चर और अचर से मिलकर हुई होती है, उसमें चर राशि भी होते हैं अचर राशि भी होते हैं कुछ गुणांक भी होते हैं माइनस प्लस सब होते हैं। इन सभी चीज़ों से मिल करके बहुपद की निर्माण हुई होती है। तो उस बहुपद को समझने से पहले मुझे उनके पार्टों को बेहतरीन ढंग से समझना पड़ेगा तब जाके बहुपद क्लियर कंसेप्ट बन पाएगा। तो देख लो बहुपद को समझने से पहले हम थोड़ा सा पहले इन चर राशि पे बात करेंगे। अब चर राशि को भी समझने से पहले जो क्लास 8 में 7 में जो ऐसे छोटे छोटे आप समीकरण को लेके हल किए हो जरा इस समीकरण से जो इसमें एक्स वाई प्रयोग किए गए हैं उनका वाई उनमें जो चर ये प्रयोग किए गए एक्स और वाई थोड़ा सा एक्स वाई का मान निकाल के देखेंगे कि क्या हर दशा में जितना भी मैं ये समीकरण लिखा हूँ क्या सभी समीकरणों में एक्स का सेम ही मान आ रहा है कि अलग अलग मान आ रहा है पहले निकाल के देखो। जैसे हम पढ़े हैं कि अगर x प्लस टेन इक्वल टू टू दे दे और इसको हल करना हम लोग सीखे हैं क्लास 8 में तो क्या सीखे हैं हम बोल रहे थे x जैसे है वैसे लिख लेंगे 10 इधर प्लस में इधर गया तो माइनस में 2 माइनस 10 हो जाएगा तो ये x इक्वल टू दो में से 10 घटा देंगे तो माइनस में क्या बचेगा 8। अब गौर करना जरा इस पे माइनस 8। अब यहां देखो इसको जरा हल करो इसको हल करो ये 6 इधर प्लस में इधर गया तो माइनस में तो x बराबर होगा 8 माइनस 6 तो ये x बराबर 8 में से 6 घटा देंगे क्या मिल जाएगा 2। एक ये भी है यहां देखोगे 9 इधर प्लस में इधर गया तो माइनस में जरा देख लो अभी बता रहे हैं सिर्फ ये इधर प्लस में इधर चला जा रहा है तो किस में हो रहा माइनस में सिर्फ ये देखने को मैं बोल रहा हूं ये 9 इधर ऐसा क्वेश्चन में दिया रहेगा ये 9 इधर प्लस में इधर गया तो माइनस में तो x बराबर हो जाएगा 12 माइनस 9 तो ये x बराबर 12 में से 9 घटा देंगे क्या मिलेगा 3। ये सिर्फ मैं अभी हल करना ये सिखा रहा हूं कहां से कैसे आया अभी ये विचार नहीं करने हैं अभी सिर्फ ऐसा समीकरण 8 में दिया था तो हम हल कैसे कर रहे थे ये मैं बता रहा हूं। यहां देखो y प्लस 6 बराबर 12 दिया होगा और कहेगा y का मान क्या निकलेगा तो कहोगे सर 6 इधर प्लस में बराबर के दूसरी तरफ भेज देंगे तो हो जाएगा 12 माइनस 6 तो y बराबर 12 में से 6 घटा देंगे क्या मिल जाएगा 6 y का मान 6 हो गया। अब 13 इधर प्लस में इधर गया तो माइनस में तो y का मान कैसे निकाले थे y बराबर निकाले थे माइनस 5 पहले से है 13 इधर प्लस में इधर आ गया माइनस में तो y बराबर माइनस 5 माइनस 13 मिलके माइनस 18 y का ये माइनस 18 निकला। यहां देखो ये 6 इधर माइनस में इधर गया तो प्लस में तो y बराबर 7 प्लस 6 तो y का मान 7 6 मिलके क्या हो गया 13। आप देखो मेरा कहने का मूल उद्देश्य ये था इसमें तीन क्वेश्चन थे एक ये दो ये तीन इसमें भी तीन थे एक दो और ये क्या था तीन तीन क्वेश्चन थे ना लेकिन पहले में देखो यहाँ x का मान माइनस 8 आया यहाँ x का मान 2 आया यहाँ x का मान 3 आया क्या x का सभी जगह मान बराबर आ रहा है क्या नहीं। अलग अलग समीकरण में अलग अलग मान आ रहा है ना ये देख लो आपके पास जो ये राशि दिख रही है इस राशि x का मान क्या सभी जगह समान आ रहा है नहीं आ रहा है ना ठीक है y पे आओ y का मान यहाँ 6 है y का मान यहाँ माइनस 18 है और यहाँ y का मान क्या है 13 क्या y का मान सब जगह सेम आ रहा है नहीं अलग अलग आ रहा है ना तो जिसका भी मान हर समीकरण में अलग अलग आता जाएगा उसी का नाम क्या चीज है चर राशि क्या नाम है बाबू चर है तो क्या बोलेंगे वे राशि जिनका मान बदलता रहता है उन्हें क्या कहते हैं चर क्या परिभाषा निकल गया बस उन्हें चर कहते हैं। जैसे पहले में x का मान क्या निकला माइनस 8 दूसरे में क्या निकला 2 तीसरे में क्या निकला 3
ऐसे हम अपने लाइफ में जितने सवालों को हम हल करेंगे उन सभी सवालों में एक्स और वाई का मान अलग अलग आएगा। तो वे राशियां जिनका मान बदलता रहता है हम उन्हें क्या कहते हैं? चर राशियां। और जिनका मान कभी नहीं बदलता है उन्हें हम क्या कहते हैं? अचर राशियां। तो ये बताओ, ये समीकरण तुमको नहीं पता था ना कहां से आया? मैं इसलिए मैं लिखा कि मैं तुम्हें दिखा सकूं कि अगर अलग अलग समीकरण आएगा तो हम उसको हल करेंगे तो एक्स वही होगा लेकिन उनका मान बदल के आएगा। एक्स यहां भी है, एक्स यहां भी है, एक्स यहां भी है, लेकिन माइनस आठ दो और ये तीन, ये मान बदल के आ रहा है, इसलिए इस एक्स का नाम हम क्या रखे हैं? चर रखे हैं। वाई वही है, हर जगह वाई है लेकिन इनका मान बदल बदल के आ रहा है, इसलिए ये क्या चीज है? चर है। क्या बात समझ में आया अब? कि वे राशियां जिनका मान बदलता रहता है उन्हें हम क्या कहते हैं? चर राशियां। क्या आप अपने मन से ये लिख लोगे? कोई प्रॉब्लम है? कोई भी पूछे तो आप चर राशि का परिभाषा लिख सकते हो कि वे राशियां जिनका मान बदलता रहता है उन्हें क्या कहते हैं? चर राशियां। बोलो क्लियर हो गया? और जिसका मान नहीं बदलेगा उन्हें क्या बोलेंगे? अचर। जैसे देख लो, अचर पे आ जाओ। अचर राशि क्या होता है जरा इस पे विचार करो। ये बताओ, अगर कहीं पे हम दो लिख दें और दो साल बाद आए और इस राशि को देखे, हम यहां दीवार पे दो लिख के चले गए हैं और दो साल बाद आओगे तो क्या वह दो बदल के तीन हो गया रहेगा क्या? अगर कहीं पे एक लिखा हो, इमेजिन इमेजिन करना है इसमें मैक्सिमम, अगर कहीं एक लिखा हो तो क्या पांच साल बाद आओगे तो इसको दो पढ़ोगे? मैं यहां एक लिखा हूं तो एक ही पढ़ोगे। मैं किसी भी समीकरण में एक लिखा हूं तो एक कभी भी दो नहीं पढ़ा जा सकता, एक का मान हमेशा एक ही होता है। क्या दो का मान कभी तीन हो सकता है? दो ही होगा। क्या तीन का मान कभी चार हो सकता है? नहीं। क्या चार का मान कभी पांच हो सकता है? नहीं, कभी नहीं हो सकता। यानी जो जो है आप वही कहीं कभी भी आओगे तो उसको वही पढ़ोगे, किसी भी समीकरण में उसका मान वही होगा, कभी भी बदलेगा नहीं। तो क्या बोले हो इसका परिभाषा? इसका क्या परिभाषा बोले हो? हाँ, वे राशियां जिनका मान उन्हें क्या कहते हैं? और वे राशियां जिनका मान कभी नहीं बदलता है उन्हें क्या कहते हैं? क्या बात समझ में आया कि नहीं आया? पक्का आ गया ना? कोई पूछेगा तो बता दोगे? पक्का बता दोगे? कि वे राशियां जिनका मान बदलता रहता है उन्हें चर राशियां कहते हैं, और वे राशियां जिनका मान कभी नहीं बदलता है उन्हें क्या कहते हैं? अचर राशि। क्या ये लिख लोगे अपने मन से? क्या लिख लो तो जरा। इसके बाद से आ जाता है घातांक। घातांक क्या होता है तो ये सुन लो, मैं एक एग्जाम्पल से समझा रहा हूं। ऐसे ये दो है, इसको मैं लिख रहा हूं दो गुणे दो गुणे दो गुणे दो, ऐसे मैं यहां लिख रहा हूं तीन गुणे तीन गुणे तीन गुणे तीन, मैं इसको लिख रहा हूं चार गुणे चार गुणे चार गुणे चार गुणे चार, ऐसे लिख रहा हूं ऐसे। तो मैं पूछ रहा हूं दो यहां कितनी बार आया है गुणा में? तीन बार। तो आप दो पे पावर लिख देते हो तीन। तो इस तीन से क्या पता चल रहा है? कि दो स्वयं के साथ कितनी बार गुणा में लिखा गया है? तीन बार। तो इसका मतलब कोई राशि स्वयं के साथ जितनी बार गुणा में लिखी गई होती है वही उसका घातांक होती है। क्या बात समझ में आया? जैसे यहां तीन स्वयं के साथ कितनी बार गुणा में लिखा गया है? चार बार। तो ये तीन पे पावर क्या लिख देंगे? चार। और इसी चार को हम क्या बोलते हैं? घातांक। क्या बात समझ में आया? क्वेश्चन का सिर्फ कंसेप्ट समझा करो। जैसे यहां चार गुणा में कितनी बार लिखा गया है तो यहां चार पे पावर क्या लिख देंगे? पांच। और पांच ही क्या चीज है? घातांक है। और ये पांच क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? ये पांच ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये चार अपनों के साथ कितनी बार गुणा में लिखा गया है। यानी कोई राशि
स्वयं के साथ जितनी बार गुणा में लिखी गई होती है उसे क्या कहते हैं? घातांक कहते हैं। क्या बात समझ में आया? कोई राशि स्वयं के साथ जितनी बार गुणा के रूप में लिखी गई होती है उसे उसका क्या कहते हैं? घातांक कहते हैं। इसका मतलब इसमें जो ये चार पांच लिखा है, ये वाला, ये यही क्या चीज कहलाएगा बाबू? घातांक। तो मैं लिख दे रहा हूं कि यही क्या चीज है? घातांक है। बोलो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं ना है? देखो, यहां परिभाषा आपको नहीं रट्टा मारना है, यहां आपको समझना है कि कौन क्या चीज है। क्या मेरी बात समझ में आ रहा है? तो अगर कोई घातांक का तुमसे परिभाषा पूछे तो साफ तौर पे आप घातांक को ये डिफाइन करोगे साफ तौर पे कि कोई भी राशि स्वयं के साथ जितनी बार गुणा के रूप में लिखी गई होती है, कोई भी राशि स्वयं के साथ जितनी बार गुणा के रूप में लिखी गई होती है उसे उसका क्या कहते हैं? घातांक कहते हैं। बोलो, क्लियर हो गया? जैसे आई दो गुणे दो गुणे दो, दो स्वयं के साथ गुणा में तीन बार लिखी गई है तो दो पे पावर तीन लिखे है, यही तीन बार क्या है? घातांक है। यहां तीन कितनी बार लिखी गई है? चार बार। तीन स्वयं के साथ गुणा में कितनी बार लिखी गई है? चार बार। इसका मतलब तीन पे पावर इसको चार लिख सकते हैं, तो यही चार क्या है? घातांक है। चार गुणा में कितनी बार लिखी गई है? पांच बार। चार पे पावर पांच लिख देंगे और पांच ही क्या चीज है? घातांक है। बोलो, क्लियर हो गया? यानी कोई भी राशि स्वयं के साथ गुणा में जितनी बार लिखी गई होती है उसे उसका घातांक कहते हैं। बोलो, क्लियर हो गया? ये बोलो यार। चलो आगे चले। अब ये लिख लो या परिभाषा लिख लो तो आगे चल रहे हैं। अब ये सुन लो, इसका गुणांक क्या है? गुणांक, ये गुणांक इस बेस पे तुम्हारे पहले एक्सरसाइज में ही क्वेश्चन मिलेंगे गुणांक के बेस पे। जैसे मैं यहां लिख दे रहा हूं 5x स्क्वायर, तो यह एक चर है, ये चर के साथ गुणा में लिखी हुई राशि है। देख लो, ठीक है, तो इसी का नाम क्या पड़ जाता है? गुणांक। परिभाषा कोई मुझे गुणांक का दो, कोई बच्चा मेरे को गुणांक का परिभाषा बता दो। कोशिश तो कर सकते हैं ना। गुणनफल के रूप में लिखी गई है। गुणनफल के रूप में लिखी गई राशि। बातें कम करो, ये सुन लो जरा। अगर ऐसे आ जाए पाई बाई 2x स्क्वायर प्लस 9, यहां आ जाए 6x क्यूब प्लस 5, यहां आ जाए 10x, और कहे इसका गुणांक क्या है? इसमें दे दे, मान लो इस क्वेश्चन में कहे कि एक्स स्क्वायर का गुणांक बताइए, तो हम बोलेंगे एक्स स्क्वायर के साथ गुणनफल के रूप में क्या लिखा है? 5, तो बोलेंगे 5 क्या चीज है? गुणांक है। यहां कहे एक्स स्क्वायर का गुणांक बताइए, तो बोलो एक्स स्क्वायर के साथ गुणा के रूप में क्या लिखा गया? पाई बाई 2, तो पाई बाई 2 ही क्या चीज है? गुणांक है। यहां देखो एक्स क्यू के साथ क्या लिखा गया? 6, तो एक्स क्यू का गुणांक ही क्या चीज है? 6 है। यहां x के साथ क्या लिखा गया? 10, तो इस x का गुणांक क्या चीज है? 10 है। तो अगर आपसे कोई कहे गुणांक किसे कहते हैं तो क्या परिभाषा दोगे?
किसी चर के साथ गुणनफल के रूप में लिखी हुई राशि को ही क्या बोलते हैं? गुणांक कहते हैं। जिस भी चर के साथ गुणनफल के रूप में जो राशि लिखा गया होगा वही गुणांक है। जैसे देखो यहां x एक चर है, इसके साथ पाई बाई टू गुणनफल के रूप में लिखा गया, तो पाई बाई टू क्या चीज है? गुणांक है। यहां देखो चर आपका क्या है? एक्स क्यू, तो एक्स क्यू के साथ 6 गुणा के रूप में लिखा गया, तो यही क्या चीज है? गुणांक है। यहां एक्स के साथ 10 गुणा के रूप में लिखा गया, तो 10 क्या चीज है? गुणांक है। तो अगर आपसे कोई साधारण भाषा में पूछे गुणांक किसे कहते हैं तो क्या परिभाषा दोगे? बोलोगे किसी चर के साथ गुणनफल के रूप में लिखी हुई राशि को क्या कहते हैं? गुणांक कहते हैं। क्या बात समझ में आ रहा है? ये बोलो यार क्या लिखोगे? किसी चर के साथ गुणनफल के रूप में लिखी हुई राशि को क्या कहते हैं? गुणांक कहते हैं। अब देखो इसमें पूछेगा, इसमें ये लिखा है पाई बाई टू एक्स स्क्वायर प्लस 9। गौर करना जरा जो मैं बातें बोल रहा हूं। इसमें एक्स स्क्वायर का गुणांक पूछे तो बताओ भाई क्या बोलोगे? इसमें एक्स स्क्वायर का गुणांक पूछे तो क्या बोलोगे? बोलोगे सर एक्स स्क्वायर के साथ पाई बाई टू है, तो इसका गुणांक हो गया पाई बाई टू, आंसर हो गया बस। अगर यहां पे आ जाए 6x³ + 9 है, कैसा है? इसमें कहे इसमें एक्स स्क्वायर का गुणांक बताओ, तो कोई बताओ क्या होगा? बोलो एक्स स्क्वायर का गुणांक पूछे तो क्या बोलोगे? अब गधा जैसे दिमाग लगा दिए ना, ये बताओ मैं एक्स स्क्वायर का गुणांक पूछा हूं तो मैं कहीं एक्स स्क्वायर है तो गुणन इसका गुणांक क्या हो गया? 0। हाँ हम कहते एक्स क्यू का गुणांक बताओ, तो एक्स क्यू के साथ क्या आता? 6, तो आप आंसर लिख देते 6। क्या बात समझ में आया? क्या एक्स स्क्वायर के साथ पाई बाई टू है? अगर एक्स स्क्वायर के साथ यहां कुछ भी नहीं लिखा गया होता तब एक मानते, लिखा है तो एक नहीं है, ठीक। अब अगर ऐसे आए √2x + 1, इसमें मैं कहूं एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है तो कोई बताओ क्या बोलोगे? इसमें एक्स स्क्वायर का गुणांक बोलो क्या बताओगे? क्या बोलोगे भाई? अरे इसमें एक्स स्क्वायर यहाँ कहीं इसमें दिख रहा है नहीं, तो गुणांक क्या हो जाएगा? अगर हम इसमें कहते कि एक्स का गुणांक बताओ तो एक्स के साथ क्या था? √2, तो यहाँ लिख देते √2। क्या बात समझ में आया? कोई डाउट नहीं ना है? चलो लिख लो। पूर्णांक ऐसे, इनको हम बोलते हैं पूर्णांक। क्या बोलते हैं बाबू? पूर्णांक। वह सब पूर्णांक है, और जो आपको ये सारी वर्ड दिख रहे हैं ना, ये पूरा इसको बोलोगे विजीय व्यंजक। स्टार्ट है विजीय व्यंजक, ये विजीय व्यंजक है। इन पे हम ये घात देखेंगे, घात। अगर इन बीजीय व्यंजकों पे उपस्थित घात, अगर इन पूर्णांकों में से ये पूर्णांकों में से ये धनात्मक वाली अगर होंगी तो बहुपद है, नहीं होंगी तो बहुपद नहीं है। कहोगे सर धनात्मक वाला बोल के आप मेरे को कंफ्यूज कर रहे हैं, ठीक है इसको मिटा देते हैं। सुंदर लग रहा है अब ना, ठीक है इसको मिटा देते हैं और इसके बदले हम इस्तेमाल कर लेते हैं पूर्ण संख्या। बहुत सारे मेथड ये तो याद रहेगा ना। और पूर्ण संख्या में क्या क्या होता है? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, डॉट डॉट,
अगर जो भी यहां पे आपको बीजीय व्यंजक, इसको बोलते हैं ये बीजीय व्यंजक है, अगर इन बीजीय व्यंजकों पे घात अगर पूर्ण संख्या उपस्थित होगी तो वह एक बहुपद है, अब पूर्ण संख्या नहीं होगी तो वह एक बहुपद नहीं है। ये बताओ इस पे ये दो घात उपस्थित है, देखो दो पूर्ण संख्या में आता है ना, तो इसका मतलब ये एक्स स्क्वायर बहुपद है। अभी देखो 2xq इस पे तीन घात उपस्थित है, तो तीन देखो इसमें आ रहा है ना, तो ये बहुपद है। या वाई पे कुछ भी नहीं है तो एक है, एक इसमें आ रहा है तो बहुपद है। या एक्स पे कुछ भी पावर नहीं है तो क्या चीज है, एक, एक इस पूर्ण संख्या में आ जा रहा तो ये बहुपद है। यहाँ एक्स पे तीन घात उपस्थित है, देखो क्या तीन पूर्ण संख्या में है तो ये बहुपद है। यहाँ देख लोगे ठीक है, इसमें देखो ये भी बहुपद है, ये भी बहुपद है, ये भी बहुपद है, ये भी बहुपद है, ये पूरा भी क्या चीज है, बहुपद है। लेकिन आ जाए एक्स पे पावर -5 + 7 तो क्या ये बहुपद है? क्यों? क्योंकि -5 इस पूर्ण संख्या में उपस्थित नहीं है। ऐसे भी आ जाएगा 1/x^3 क्या ये बहुपद है? नहीं। क्यों? क्योंकि ये यहाँ देखो x पे तीन घात नीचे प्लस में, ऊपर जाएगा तो माइनस में, क्योंकि किसी चर राशि को बट्टे के रूप में हम नहीं लिखते हैं, हमेशा ऊपर करते हैं। जब ऊपर करेंगे तो इसमें घात माइनस हो गया, क्या इसमें माइनस घात वाला है? तो इसका मतलब ये बहुपद नहीं है। तो बहुपद कब बोलोगे? बोलोगे ऐसा बीजीय व्यंजक जिसमें उपस्थित चर की घात एक पूर्ण संख्या होती है, इसमें जो भी चर राशि उपयोग किए गए हैं अगर इन चर राशियों पे घात ये पूर्ण संख्या होगा तो बहुपद है, और पूर्ण संख्या नहीं होगा तो वह बहुपद नहीं है। तो बहुपद होने के लिए किसी भी बीजी या व्यंजक में उपस्थित चर की घात एक पूर्ण संख्या होनी ही चाहिए। तो क्या बोलेंगे बहुपद का परिभाषा? ऐसा बीजी या व्यंजक जिसमें उपस्थित चर की घात, एक बार और सुनो, क्या बोलेंगे हम? ऐसा बीजीय व्यंजक जिसमें उपस्थित चर की घात एक पूर्ण संख्या होती है उसे क्या कहते हैं? बहुपद कहते हैं। क्या आपने मन से लिख लोगे? क्या लिखोगे परिभाषा? ऐसा बीजीय व्यंजक जिसमें उपस्थित चर की घात एक पूर्ण संख्या होती है उसे बहुपद कहते हैं। और ये सारा एग्जाम्पल लिख दोगे, ये सब के सब क्या चीज है? बहुपद है। बोलो लिख लोगे? ओके लिखो। अब इसके बाद देखेंगे ये बहुपद की खोज किसने की थी, तो बोलोगे अलेक्जेंड्रिया के डायोफेंस ने बहुपद के बारे में बताया था। इसके बाद बहुपद में जो एक्स वाई तथा जेड इसमें जो चर राशियां प्रयोग किए गए थे इनकी खोज किसने की, तो आप बोलोगे रेने डेकार्टेस ने की। किस सन में की? 1637 में। ये सिर्फ जानने के लिए है, ऐसा नहीं है कि इसको हमेशा याद रखोगे, ये काम की चीजें हैं, मैंने बता दिया। नेक्स्ट चलेंगे, इसका उपयोग बहुपद का उपयोग, कोई पूछ देगा कि जो बहुपद आप पढ़ रहे हो इसका यूज कहाँ पे होता है, कहाँ बताओगे इसका यूज? तो बोलोगे इस बहुपद का जो उपयोग होता है ना शेयर मार्केट में होता है, वस्तुओं के दाम में गिरावट अथवा बढ़ोतरी के बारे में पता लगाने के लिए इस बहुपद का उपयोग किया जाता है, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। अब देखेंगे बहुपद के प्रकार, सॉरी बहुपद की घात आ गई, व्हाट इज द पावर ऑफ एनी पॉलीनोमियल्स, किसी भी बहुपद की पावर क्या होती है, किसी भी बहुपद की घात क्या होती है, हम इसके बारे में जानना चाहेंगे। तो जैसे हम यहां पे लिख दें 5x^10 - 9x³ + 12 दिस इज अ पॉलीनोमियल, यहां आ जाए 5x^5 6x³ + 12 यहां आ जाए 10x^2 - 9x+6। आप देखो ये भी पावर है, ये भी पावर है, मीन्स ये भी घात, ये भी घात, यहां ये घात, यहां ये घात, यहां ये घात, यहां कुछ नहीं है तो एक है। तो मैं क्या देख रहा हूं कि इनमें जो घात इस बहुपद में घात दी गई है, एक जगह 10 दिख रहा है, एक जगह 3, यहां तो 0 होता है चलेगा, तो इनमें सबसे बड़ी घात क्या है? तो बोलोगे 10 है। क्या है बाबू? 10। तो इस पूरे बहुपद की अगर मैं घात पूछूंगा तो आप बोलोगे 10 है।
यानी किसी बहुपद में उपस्थित चर की सबसे बड़ी घात को, किसी बहुपद में उपस्थित, मान लो ये बहुपद है, इसमें जो ये चर राशियां उपस्थित हैं, तो इन चर राशियों में, इस चर राशि में जो चर की सबसे बड़ी पावर है, सबसे बड़ी घात है, वही उस बहुपद की घात है। तो क्या बोलेंगे, किसी बहुपद में उपस्थित चर की सबसे बड़ी घात को उस बहुपद की घात कहते हैं। किसी बहुपद में उपस्थित चर की सबसे बड़ी घात को उस बहुपद की घात कहते हैं। बात समझ में आया? जैसे इसमें इस बहुपद की घात पूछेगा तो इसमें दो गो चर उपस्थित किए गए, इन चर में सबसे बड़ा घात किसका है, 10, तो घात बराबर 10। इसमें देखो दो ठो चर उपस्थित है, इस पे घात 5 है, इस पे 3 है, इसमें बड़ा घात क्या है, 5, तो घात बराबर लिख दोगे 5। ये इसमें x x या दो चर उपस्थित है, इन दोनों में सबसे बड़ा घात क्या है, तो बोलोगे 2, तो घात बराबर हो गया 2, बस आंसर हो गया। ये होता है बहुपद की घात, यानी किसी भी बहुपद में जो चर की सबसे बड़ी घात होती है ना, उसे उस बहुपद की घात कहते हैं। ठीक है, अब घात के बारे में समझ गया होगे। इसके बाद से आपका आ जाता है ये बहुपद के प्रकार, पदों घातों के आधार पे। अगर आपसे कोई कहे घातों के आधार पर बहुपद कितने प्रकार के होते हैं, घातों के आधार पर मुख्य रूप से बनने के लिए बहुत सारे बन जाएंगे यार। अगर आपसे कहे घातों के आधार पर बहुपद कितने प्रकार के होते हैं, तो हम बोलेंगे घातों के आधार पर बहुपद मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं। पहला रैखिक बहुपद, दूसरा द्विघात बहुपद, तीसरा त्रिघात बहुपद। मुख्य रूप से ये कोई कह दे बहुपद के प्रकार घातों के आधार पर, ये लिखने का मतलब ये हुआ कि घात के आधार पर बहुपद कितने प्रकार के होंगे, तो हम बोलेंगे घातों के आधार पर बहुपद मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है रैखिक बहुपद, दूसरा होता है द्विघात बहुपद, तीसरा होता है त्रिघात बहुपद। ये घातों के आधार पर है। तो अब आपसे ये कोई प्रश्न करे कि रैखिक बहुपद किसे कहते हैं, द्विघात बहुपद किसे कहते हैं, त्रिघात बहुपद किसे कहते हैं, तो क्या परिभाषा दोगे भाई? रैखिक बहुपद किसे कहते हैं, द्विघात बहुपद किसे कहते हैं, त्रिघात बहुपद किसे कहते हैं, तो क्या परिभाषा दोगे कि रैखिक बहुपद ये है, द्विघात बहुपद ये है, त्रिघात बहुपद ये है, कैसे डिफाइन करोगे? तो ये सुन लो, मैं यहाँ पे एक एग्जांपल लिख रहा हूँ। ये 5x+8, इसमें ये चर है। अब मैं पूछूं इस चर की अधिकतम घात कितनी है, तो आप क्या बोलोगे? भाई इस पे कुछ घात नहीं है, तो एक तो अधिकतम घात एक है। अब मैं यहां लिख रहा हूं 2x² + 5x + 10, इसमें दो चर प्रयोग किए गए हैं, इस पे कुछ पावर नहीं है, तो क्या चीज है, एक। तो मैं बोलूं कि जो इसमें चर प्रयोग किए गए हैं, इस चर की अधिकतम घात कितनी है, जो ये चर है इन चर की अधिकतम घात कितनी है, तो बोलोगे इस पे एक है, इस पे दो है, तो अधिकतम घात तो दो है, तो ये दो लिख देते हैं। अगर यहाँ पे आ जाए ax³ + bx² + cx + d, ऐसे इसमें भाई 3 गो चर हैं, x x x, 3 ठो चर मिल गया है। तो भाई इन तीनों चरों में जो 3 ठो चर मिले हैं, इन तीनों चरों में अधिकतम घात कितनी है, तो बोलोगे सर 3 घात है, अधिकतम घात 3 है, क्योंकि इस पे एक है, इस पे दो है, 3 है, तो ये सबसे बड़ा 3 है। तो बोलेंगे ऐसा बहुपद जिसमें उपस्थित चर की अधिकतम घात 1 होती है, उसे क्या कहते हैं, रैखिक बहुपद। या ऐसा बहुपद जिसकी अधिकतम घात 1 होती है, उसे रैखिक बहुपद कहते हैं। और ऐसा बहुपद जिसकी अधिकतम घात 2 होती है, उसे द्विघात बहुपद कहते हैं। और ऐसा बहुपद जिसकी अधिकतम घात 3 होती है, उसे त्रिघात बहुपद कहते हैं। पर यही ना परिभाषा है, बोले यही ना परिभाषा है,
कि घातों के आधार पे बहुपद कितने प्रकार के होंगे, तो बोलेंगे तीन प्रकार के होंगे। पहला क्या होगा तो रैखिक बहुपद, दूसरा क्या होगा तो द्विघात बहुपद, तीसरा क्या होगा तो त्रिघात बहुपद। भाई रैखिक बहुपद किसे कहते हैं, तो ऐसा बहुपद जिसकी अधिकतम घात एक होती है उसे रैखिक बहुपद कहते हैं, और ऐसा बहुपद जिसकी अधिकतम घात दो होती है उसे द्विघात बहुपद कहते हैं, और ऐसा बहुपद जिसकी अधिकतम घात तीन होती है उसे त्रिघात बहुपद कहते हैं। बोलो परिभाषा निकल गया, इसमें किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम तो नहीं होना चाहिए। और एग्जांपल सामने है, यहां देखेंगे अब बहुपद के प्रकार पदों के आधार पर। इसका मतलब कि पद के आधार पर बहुपद कितने प्रकार के होते हैं, जरा इसको देख लें हम। तो पद के आधार पर बहुपद का प्रकार पूछेगा तो हम बताएंगे पदों के आधार पर बहुपद मुख्य रूप से तीन प्रकार के होते हैं, जिसमें पहला बताएंगे हम एकपदीय बहुपद, दूसरा बताएंगे द्विपदीय बहुपद, और तीसरा बताएंगे त्रिपदीय बहुपद। दोबारा सुन लो, अगर कहेगा पदों के आधार पर बहुपद कितने प्रकार के होते हैं तो हम बोलेंगे पदों के आधार पर बहुपद मुख्य रूप से तीन प्रकार के होते हैं। पहला क्या बताएंगे एकपदीय बहुपद, दूसरा क्या बताएंगे द्विपदीय बहुपद, और तीसरा क्या बताएंगे त्रिपदीय बहुपद। अब प्रश्न ये है कि एकपदीय बहुपद, द्विपदीय बहुपद और त्रिपदीय बहुपद किसे कहते हैं, ये प्रश्न बनता है। तो जरा मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल, यहाँ मैं लिख रहा हूँ x, यहाँ लिख रहा हूँ 2x, यहाँ लिख रहा हूँ ए एक्स स्क्वायर, ठीक है, यहाँ जहां मैं लिख रहा हूं 3x पे पावर 9 ऐसे, और मैं पूछूं कि इसमें कैठो पद हैं। बोलोगे सर इनके बीच में प्लस माइनस जब तक नहीं आया रहेगा तब तक तो एक ही पद होंगे ना, जब इनके बीच में प्लस या माइनस आ जाएगा तब जाके पद बचे बढ़ जाएंगे, लेकिन अभी तो इनके बीच में प्लस माइनस नहीं आया है ना, तो इनके बीच में केवल जब तक प्लस माइनस नहीं आएगा इसमें केवल एक पद होंगे। तो इसमें कितने पद हैं, तो हम बताएंगे केवल एक पद है। इसमें कितने पद हैं, तो बोलेंगे इसमें भी केवल एक ही पद है, यानी इस सब में केवल एक पद है। लेकिन जैसे यहाँ ए एक्स स्क्वायर लिखा है, वही अगर हो जाता है ए अब बीच में आ जाता प्लस ये एक्स स्क्वायर, तो अब दो पद हो गए, ये तीन प्लस एक्स पे नाइन। जैसे यहाँ तीन एक्स पे नाइन लिखा है, अगर सेम यही वाली बातें ऐसे तीन और एक्स पे नाइन के बीच में अगर कोई प्लस माइनस आ जाए, ऐसे तीन और एक्स पे नाइन के बीच में प्लस या माइनस आ जाए, तो अब पद बट गया है, अब इसमें दो पद हो गए। अगर आ जाए ऐसे सिर्फ आ जाए ए एक्स प्लस बी, इसमें भी दो पद है। इसका मतलब कि इसमें केवल दो पद है इन सब में। आ जाए यहां ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, या 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2, या 9x पे पावर 10 प्लस 3x प्लस 5, इस पे पावर कितना आए देयर इज नो मैटर। कितना पावर आ रहा है इससे कोई मतलब नहीं है, कितने पद आ रहे हैं इसमें ये देखना है। इसमें एक दो तीन दिख रहा है, तो इसका मतलब इसमें केवल तीन पद होते हैं, तीन पद है। तो ऐसा बहुपद जिसमें केवल एक पद होते हैं उसे एकपदीय बहुपद कहते हैं, और ऐसा बहुपद जिसमें केवल दो पद होते हैं उसे द्विपदीय बहुपद कहते हैं, और ऐसा बहुपद जिसमें केवल तीन पद होते हैं उसे त्रिपदीय बहुपद कहते हैं, जिसमें तीन से ज्यादा होंगे उसे बहुपदीय बहुपद बोलेंगे। तीन से ज्यादा भी हो सकते हैं तो उसका नाम बहुपदीय बहुपद हो जाएगा। आ रहा है मेरे बात समझ, जिसमें कोई चर प्रयोग नहीं होगा अचर बहुपद हो जाएगा। लेकिन मेनली मेरे को स्टडी करने हैं सिर्फ इतने का क्लास नाइन्थ में। तो अगर आपसे कोई पूछे पदों के आधार पर बहुपद कितने प्रकार के होते हैं, तो हम बोलेंगे तीन प्रकार के होते हैं। पहला क्या बोलेंगे एकपदीय बहुपद, दूसरा बोलेंगे द्विपदीय बहुपद, और तीसरा बोलेंगे त्रिपदीय बहुपद। एकपदीय बहुपद का परिभाषा पूछेगा तो बोलेंगे ऐसा बहुपद जिसमें केवल एक पद होते हैं उसे एकपदीय बहुपद कहते हैं।
द्विपदीय बहुपद का परिभाषा पूछेगा तो बोलेंगे ऐसा बहुपद जिसमें केवल दो पद होते हैं उसे द्विपदीय बहुपद कहते हैं। त्रिपदीय बहुपद का परिभाषा पूछेगा तो बोलेंगे ऐसा बहुपद जिसमें केवल तीन पद होते हैं उसे त्रिपदीय बहुपद कहते हैं। विथ एग्जाम्पल आप देख सकते हो, एकदम पूरी सटीक बता रहे हैं, साफ तौर पे बता रहे हैं, कोई भी डाउट होगा तो आपको समाधान मिल जाएंगे। इसलिए आप जो भी इसमें चीज़ें पढ़ेंगे साफ सुथरा पढ़ेंगे, कोई डाउट नहीं होगा, कोई असुविधा नहीं होगा, इतनी मेरी गारंटी है कि सुकून से आप पढ़ सकते हैं और समझ में भी आ जाएगा, एकदम मन से पढ़ेंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। इसके बाद आ जाता है ये एक बहुपद का शून्यक, ये मैटर थोड़ा सा बना देता है। बहुपद का शून्यक क्या मैटर बनाता है? कुछ नहीं। मान लो बहुपद का शून्यक है, शून्यक का मतलब शून्य कर देने वाला मान, भाई शून्यक आया है, शून्यक का मतलब क्या हुआ? शून्य कर देने वाला मान। क्या शून्य कर देने वाला मान होगा? यानी बहुपद में बहुत से चर अवेलेबल होते हैं, अगर उन चरों में कोई ऐसा मान चुन के रखे उस चर के जगह पे कि पूरा बहुपद ही जीरो हो जाए, तो जो मान आप चर के जगह पे रखेंगे जिससे कि पूरा बहुपद जीरो हो जाएगा वही मान उस बहुपद का शून्यक होगा। जैसे जैसे यहां आ जाए एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस वन, ऐसे इसमें चर के जगह पे कुछ ऐसा अपने तरफ से मान चुन के भरना है जिससे यह बहुपद जीरो हो जाए, तो हम क्या करेंगे? हम कहेंगे भाई हम एक्स के जगह पे इसमें एक रख दे रहे हैं, तो यहाँ x है इसके जगह पे हो जाएगा एक, इसका स्क्वायर है तो करो, फिर माइनस टू एक्स के जगह पे हो जाएगा एक, अब प्लस एक है तो लिख लो। अब आप देखो एक पे कितनी भी घात लगा लो इसका मान एक होगा ना, हाँ माइनस है दो एकन में क्या हो जाएगा दो, और ये प्लस है एक। अब आप देखो ये एक और ये एक मिलके हो जाएगा दो, और ये पहले से माइनस दो, भाई दो में से दो घटा देंगे क्या हो गया जीरो। देखो ये पूरा का पूरा बहुपद जीरो हो गया ना, तो कौन सा मान रखने से जीरो हुआ है? कौन सा मान? ये x की जगह पे एक रखे हो तब ना ये पूरा बहुपद जीरो हुआ है, तो इसी एक को हम बहुपद का क्या कहते हैं? शून्य कहते हैं। यानी किसी चर का वह मान जो बहुपद में रखने पर उसे जीरो शून्य कर देता हो उसे उस बहुपद का क्या कहते हैं? शून्य कहते हैं। भाई कोई ये इसमें x प्रयोग किए गए हैं तो इस x के जगह पे जो मान रखने से ये पूरा बहुपद जीरो हो जाएगा वही मान उस बहुपद का शून्य कहलाएगा। तो किसी चर का वह मान जिसे बहुपद में रखने पर उस पूरे बहुपद को जीरो कर देता हो, किसी चर का वह मान जिसे बहुपद में रखने पर उस पूरे बहुपद को जीरो कर देता हो, शून्य कर देता हो, उसे उस बहुपद का क्या कहते हैं? शून्य कहते हैं। ये डेफिनेशन हो गया। जैसे एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस वन है, इसमें x के जगह पे हम एक रखे हैं, तो इसमें x के जगह पे एक रखने पर ये पूरा बहुपद हल होने पे क्या हो गया है? जीरो। तो इसका मतलब x बराबर एक ही इस बहुपद का क्या है? शून्य है। बोलो क्लियर हो गया? अब क्लास नाइन्थ मैथमेटिक्स के चैप्टर टू जिसका नाम बहुपद है, उस पूरे बहुपद का एक एक कंसेप्ट यहाँ पूरी डिटेल्स में बता दिया गया है। इसमें किसी प्रकार की कोई डाउट आपको नहीं होने वाले हैं। कोई डाउट अगर होंगे तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ लेंगे। अब हम इसके बाद एक्सरसाइज 2.1 का वीडियोज अपलोड करेंगे, इसलिए अगर आप हमारे चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, और अगर पहले से वीडियो को देख रहे होंगे तो वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और कमेंट करना कभी भी नहीं भूलेंगे। हम अपनी क्लास यहाँ ओवर कर रहे हैं। थैंक यू।